मैं ये कह रहा हूँ अभी क्लास में मैंने थर्मिस्टर का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, राइट। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई ऐसा है जिसमें मैं बोलूँ कि आओ बिना सर्किट डायग्राम के इसके सारे थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ, कोई बता सकता है? बताओ, कोई बता सकता है? थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ, उसको चेक करके बताओ कि वो सही है कि खराब है, कोई बता सकता है? कितने बजे रहे, जल्दी बताओ। 2:26 सिर्फ आधे घंटे में आप में से हर एक आदमी इसी बोर्ड में बिना डायग्राम के थर्मिस्टर सारे ढूंढ लेगा, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। तो हम लाइव है अभी, ध्यान देना। तो हम आधे घंटे बाद फिर लाइव आए। चलो ठीक है, आधे घंटे बाद फिर लाइव आते। हम इससे पहले आधे घंटे पहले 2:30 बजे मेरे ख्याल से पौन घंटे पहले लाइव आए थे। क्यों लाइव आए थे, क्या बोल रहे हैं? एक जन बताओ थर्मिस्टर ढूंढने। तब आपसे मैंने पूछा था कि किसी को आता है तो बता दो, अभी किसी को आता था? नहीं आता था। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बिना स्कीमेटिक, बिना डायग्राम, बिना कोई सोर्स के किसी भी मॉडल में, वो वही ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, थर्मिस्टर कौन सा ढूंढ लेगा बताओ? आपका सही वैल्यू के साथ और डैमेज वैल्यू के साथ। वेरी गुड, क्या बात है, यही तो चीज सीखने आए ना हम लोग। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. अब मैं मानता हूं कि मेरे फोन में जिस सर्किट से मुझे आउटपुट निकल रहा है वो इतनी एम्पियर है, अब मुझे इतनी एम्पियर में ये बल्ब चलाना है, तो मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे अतिरिक्त करंट को ग्राउंड भेजना है। बोलो, क्योंकि यहाँ पर ये 42 एम्पियर तो चलेगा नहीं, ये लगभग अगर मैं बात करूँ कितने आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका डे वन है। और ये कहाँ से, इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं, तो आपने कभी आईसी पे काम किया था? नहीं सर, पहली बार। आपने कभी आईसी निकाल के रिवॉल्व भी किया तक नहीं किया? नहीं सर, नहीं। कभी नहीं किया था, पहली बार। तो अभी डे वन है और आज से सुबह की आपकी 2 से 3 घंटे की क्लास हुई होगी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है आईसी रिवॉल्व करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप काम सीख पाएंगे? यस सर, यस लग रहा है। यस हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। कहाँ से हो सचिन? महाराष्ट्र। ये आईसी पहले रिवॉल्व करते थे आपके? नहीं सर, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आज कौन सा दिन है तुम्हारा? पहला दिन। पहला दिन लाइव आईसी बना के बताओगे? यस बनाइए। यहाँ पे आपने आईसी में क्या क्या कर लिया अभी? अभी सर क्लीन कर दिया। क्लीन कर लिया, सरफेस क्लीन कर दिया आईसी का आपने? हाँ, सरफेस क्लीन कर दिया आपने? हाँ यस सर। अच्छा, town to town, from London to Taiwan.
मेरे फोन में जिस सर्किट से मुझे आउटपुट निकल रहा है वो इतनी एम्पियर है, अब मुझे इतनी एम्पियर में ये बल्ब जलाना है, तो मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे अतिरिक्त करंट को ग्राउंड भेजना है। बोलो क्योंकि यहाँ पर ये 42 एम्पियर पे तो चलेगा नहीं, ये लगभग अगर मैं बात करूं walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
is my home suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. नवंबर की बैच, हम इससे पहले आधे घंटे पहले ढाई बजे मेरे ख्याल से पौन घंटे पहले लाइव आए थे. क्यों लाइव आए थे, क्या बोल रहे हैं? एक जन बताओ थर्मिस्टर ढूंढने. तब आपसे मैंने पूछा था कि किसी को आता है तो बता दो. अभी किसी को आता था? नहीं आता था. चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बिना स्कीमेटिक, बिना डायग्राम, बिना कोई सोर्स के, किसी भी मॉडल में, वो वही ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, थर्मिस्टर कौन सा ढूंढ लेगा बताओ? आपका सही वैल्यू के साथ और डैमेज वैल्यू के साथ. वेरी गुड, क्या बात है, यही तो चीज सीखने आए ना हम लोग. वेरी गुड. देखो यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लगाया है, दो वोल्टेज की वोल्टेज दी है, एक मॉस्फेट लगाया पी चैनल का, ऊपर डाला डायोड, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, देख कर ही बता दोगे पी है एन है. एक बेस के साथ में एक आईसी स्विचिंग लगाई है और यहाँ पे स्विचिंग हो रही है. ये 01 मतलब बंद चालू बंद चालू बंद चालू, इसलिए ये लाइट भी बंद चालू हो रही है. हमें इसी स्विचिंग में इसी को बंद चालू से रोकना है और उसको स्टेबल करना है. और क्योंकि अब शब्द आ गया स्टेबल, इसलिए हम अपना एक ऐसा कंपोनेंट लगाएंगे जो स्टेबलाइजेशन करे. जो क्या करे? तो स्टेबलाइजेशन मतलब कौन सा कंपोनेंट कर सकता है जल्दी बताओ? कैपेसिटर. कौन सा कंपोनेंट? क्योंकि यहाँ पर एम्पियर वोल्टेज के कारण नहीं हो रहा ये स्टेबलाइजेशन, ये स्टेबल नहीं है, ये जल रही है पर जल बंद रही है, स्टेबल नहीं हो पा रही है. क्या नहीं हो पा रही है? तो एक कैपेसिटर मैंने क्या लगाया यहाँ पर, सीरीज की पावर, क्योंकि सीरीज लगा दूंगा तो ये तो जल्दी बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो डीसी को पास करना बंद कर देगी. सीरीज को वही लगाते हैं जहाँ फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ. क्या भेज रहा हूँ? और यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं भेज रहे, वोल्टेज भेज रहे हैं, क्योंकि ये एलईडी है, ये कोई फ्रीक्वेंसी आईसी नहीं है, ये एलईडी है और इसको वोल्टेज मिलेगा तो जलेगी. तो अब इस कैपेसिटर का मान घटाते या बढ़ाते हैं तो नोटिस करो, तो हमें कैपेसिटर का मान घटाना बढ़ाना है और हमें देखना है कि देखो ये पहले से कम ज्यादा चल रहा है, देखो थोड़ा कम हुआ ना उसका, अब नोटिस करो और देखो और स्टेबल हो रही है. देखो स्टेबल हो रही है ना यहाँ पर, तो इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन. क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन, कि पहले जो जल बुझ रही थी वो अब स्टेबल हो रही है. तो मतलब अगर आप 81 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर वहां यूज करते हैं सर्किट के हिसाब से, तो आपका आईसी प्रॉपर वोल्टेज देगा और उसको फ्लक्चुएट होने नहीं देगा. समझ में आया जी? ये बताओ किस किस को समझ में आया वाला चीज? पक्का? यस सर. तो सर कैपेसिटर बंद कर लो भी. कैपेसिटर डीसी फिल्ट्रेशन के साथ स्टेबलाइजेशन भी कर रहा है. क्या कर रहा है? Getting stronger step by step, the clock is
there's no time for me. I've been flying from town to town. सर बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि बस एक दो घंटे पढ़ा करके छोड़ दिया गया। नहीं सर ऐसे तो नहीं, एक दो घंटे वाली बात नहीं है। कॉम्प्लेंट समझ में आया कि नहीं आया? आया सर बिल्कुल। अभी कॉम्प्लेंट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है जी सर। कल भी हमारा कॉम्प्लेंट की क्लास है जी सर। अभी फिलहाल रजिस्टर कैप्चर तो उसको कर पाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास सर? एकदम बढ़िया है। उसको प्रैक्टिकल जो सर ने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल मिल रहा है? हाँ सर प्रैक्टिकल मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? बढ़िया सर। एच वी आर है, एल वी आर है, फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल सर। कितने ओम्स का है, कितने मान है, उस रजिस्टर का काम क्या होता है, उसकी चेकिंग क्या होती है, अभी पहचान पा रहे हैं जी सर? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही आज कॉम्प्लेंट की पहले? बहुत अच्छा था सर। अभी कॉम्प्लेंट ख़त्म नहीं हुआ है, कल भी कॉम्प्लेंट की क्लास है। तो ओवरऑल अगर बात करें रजिस्टर की पहचान पाओगे भी आप? जी सर सब कुछ, एल वी आर सब ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? सर बहुत अच्छा सर। तो ये आप बार बार इनको देखेंगे, ये हमारे पुराने एमसी बैच के स्टूडेंट हैं और इन्होंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फुल कंप्लीट कोर्स करने का फैसला किया है। तो कैसा रहा आज फर्स्ट डे का आपका डिसीजन? सर बहुत अच्छा लगा। आज कॉम्प्लेंट देखने का नज़रिया चेंज हुआ अभी आपका? सर पूरा चेंज हो गया। पहचान उसके काम एकदम इतना अच्छा समझ में आया कि एक बार हम पहचान नहीं है। फाइंड आउट कर पाएंगे अभी? जी सर। एक रजिस्टर से भी फोन डेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है, उसमें ओम से किलो ओम से मेगा वाट से कोई भी एक मिसिंग हुआ या खराब हो गया तो समस्या आ सकती है। क्लॉक का रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो समस्या आ सकती है सर। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया मीन्स कॉम्प्लेंट अभी रजिस्टर कैपेसिटर जो भी है देख करके फाइंड आउट कर पाएंगे? एकदम सर, बहुत ईजी से बता सकते हैं। उसके काम क्या है, उसकी वैल्यू कैसे पता करना है, जी सर, एल वी आर सब सारा चीज़। कंटिन्यू करिए। बढ़िया मीन्स जो सर ने पढ़ाया था तो नहीं सब ऊपर से चला गया? हाँ सर। तो अभी समझ में आ रहा है अभी आपको? हाँ सर पूरा समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। एकदम नंबर। सुबह आपने रिवॉल्विंग किया था? यस यस। हुआ था आपसे? यस सर। कितनी बार किया था? चार बार कर दिया था। हाँ सर। कौन सी ICP किया था? EMMC पे किया था। चलिए तो अभी कॉम्प्लेंट को पहचान पा रहे बोर्ड में? हाँ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? अच्छी रही। अच्छी मीन्स अभी जो आप बोर्ड ले करके बैठे हो उस बोर्ड में कितने रजिस्टर लगे हैं, कितने वैल्यू के लगे हैं, उसको मान निकल पाओगे? हाँ सर। कैसे रही क्लास? अच्छी रही। हाँ जी,
कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत बढ़िया रही सर। पहले दिन की कंप्लेंट क्लास बहुत बढ़िया सर। तो सोचा भी नहीं था कैसा। तो इस कंप्लेंट का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? यस सर, बहुत जरूरी है। बिना कंप्लेंट के नॉलेज के हम सेक्शन को फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हां जी, कैसे रही कंप्लेंट क्लास? अभी कंप्लेंट जो भी बोर्ड में लगे जितने भी लगे हैं उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे आप? हां सर। एचबीआर है कि एलबीआर है पता कर पाएंगे? हां सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत अच्छी रही। अभी प्रैक्टिकल करने में आपको वो चीज़ जो सर ने पढ़ाया वो चीज़ें प्रैक्टिकल में मिल रही है? हाँ, पूरा पूरा पूरी चीज़ मिल रही है। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट डे ऐसा तो नहीं लगा? अभी जो ये के में जितने आप कोडिंग लिख रहे हो उसके आर, इसके सिंबल, ये सारा कुछ डायग्राम में भी देख के पहचान जाएंगे? जी सर, जी सर। डायग्राम में क्या सिंबल होता है, क्या लिखा रहता है, कैसे पहचानेंगे सब कुछ? जी सर, यहाँ पर जैसे ओम्स में हमने नापा तो ओम्स जी, जी, लिखा, जी। में नापा तो। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत बढ़िया सर। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ऊपर से जा रहा हो? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है सर। कंप्लेंट का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? जी भाई, कैसे रही? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीन्स कंप्लेंट अभी आपने रजिस्टर और कैपेसिटर पढ़ा है, तो रजिस्टर कैपेसिटर देख के फाइंड आउट कर पाएंगे इसकी पहचान, उसके काम को पता कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट क्लास? जी सर, एकदम बढ़िया। तो देव सर ने जैसा पढ़ाया ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा हो? नहीं सर, एकदम बढ़िया पढ़ाया। समझ में आ रहा था जी? एकदम। प्रैक्टिकल करने में जो सर ने पढ़ाया वो प्रैक्टिकल मिल रहा है? एकदम सर। क्या वैल्यू है, कैसे उसका एलवीआर एचबीआर पूरा सर पूरा कर पाएंगे? जी सर, एकदम। चलिए ठीक है, ठीक। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत बढ़िया। सोचने से भी ज़्यादा हो गया। सोचने से कहाँ से आप? मैं इसे नेपाल से हूँ, रहता हिमाचल में। अच्छा, नेपाल से रहते हिमाचल। ऐसा तो नहीं पहले दिन की आपकी क्लास है, लैंग्वेज भाषा समझ में ना आ रही हो? नहीं नहीं, समझ में आ रही प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, तो ओवरऑल कैसी रही पहले दिन की क्लास? बहुत बढ़िया रहा। सुबह सीपी रिवॉल किया था? किया था सर। कितनी बार किया? 5 बार किया। सच बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। कंप्लेंट की पहले दिन की क्लास बढ़िया है सर। बढ़िया मीन्स जो सर ने बताया प्रैक्टिकल मिल रहा है? जी सर। चेक कर पा रहे हैं अभी आप? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बढ़िया है। अभी क्या कर रहे हैं बताइए? कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, पता कर पा रहे हैं एचबीआर है कि एलबीआर है? एकदम सर, अच्छे से पता कर पा रहे हैं अभी तो। सर ने अच्छे से समझाया। ओके। हाँ जी, कैसी रही आज हमारी कंप्लेंट की क्लास? बढ़िया सर। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ ऐसा तो नहीं लगा अरे सर ने जो पढ़ाया ऊपर से सारा इसकी चला गया? नहीं नहीं, वो पूरा डीपली समझे है। ओके, तो कंप्लेंट का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। अभी प्रैक्टिकल में वो चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही? हाँ मिल रहा है प्रैक्टिकल भी। चलिए ठीक है, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? अच्छी रही। अच्छी मीन्स कंप्लेंट की जो नॉलेज है ये यूट्यूब वाले तो नहीं मिला कि यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लो ऐसा कर लो? ऐसा तो नहीं है, अलग मिला यूट्यूब से? अलग मिला। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? बहुत बढ़िया है, एक नंबर। कंप्लेंट से रिलेटेड अभी आपका कंप्लेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, कल भी कंप्लेंट की क्लास रहेगी। हाँ जी। तो आज जो कंप्लेंट की क्लास हुई है वो हुई है रजिस्टर और कैपेसिटर। हाँ। तो उसको आप चेक कर पाएंगे? हाँ जी। सही है कि खराब है, काम क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ, उस पे भी काम कर रहे हैं। चलिए चेक कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? सर, कंप्लेंट की क्लास कैसी रही? अच्छा रहा सर। सुबह आपने सीपी रिवॉल्व किया था? हाँ जी। कितनी बार किया? 6 बार। सच बोल रहे? सच बोल रहा। अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? अच्छी थी सर। तो कंप्लेंट का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? है सर, नॉलेज क्यों जरूरी है बताइए सर? कंप्लेंट का पूरा पहचान जानना है सर। अगर कंप्लेंट का नॉलेज नहीं होगा तो हम सेक्शंस को बना नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी, कैसे रही कंप्लेंट की क्लास? सर बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। तो ऐसा तो नहीं लगा कि यूट्यूब वाला नॉलेज मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सब हटके मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल हटके। डीप नॉलेज मिला कि नहीं? डीप, एकदम डीप नॉलेज। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए।
तेरी कंप्लेंट की क्लास सर बहुत अच्छा रहा इमेल से पांच बार निकला पांच बार रिबॉलिंग करके लगा रिबॉल भी करके लगा लिया हां रिबॉलिंग करके भी जो आपने पढ़ा है हां रजिस्टर प्रैक्टिकल मिल रही कि नहीं मिल रही हां मिल रही सर करने चलिए ठीक है कैसे रही कंप्लेंट की क्लास यस सर भाई मेरे इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है लास्ट डे क्या करके गया आप लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए उसको लगाए भी पूरा पूरा लास्ट डेट आपने क्या किया सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया निकाला क्लीन किया वो मैटर समझ में आई आपको बिल्कुल सर सीपीयू भी किया लास्ट डे क्या करके गए लास्ट डबल डेकर किया है डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर डबल डेकर किया लास्ट में डुअल डेकर किया ना आपने लास्ट डे क्या किया डबल डेकर सीपीयू करके गया चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर डबल डेकर सीपीयू डबल डेकर सी कैसे रिबॉल करके लगाना है क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की ये आपने किया सारे स्टूडेंट ने की सब स्टूडेंट ने आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर डबल डेकर किया मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग बहुत अच्छे किया आपने पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया बिल्कुल आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया आज हमने डबल डेकर किया था डबल डेकर किया आपने आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया करो डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर या आपने खुद किया खुद से यस सर खुद किया आपने क्या किया आज के दिन का बताओ आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं उसको भी किससे किया आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से यस सर यूनिवर्सल ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया आज आखिरी